गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स टूडे आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू ऑल द चैप्टर नंबर टू ऑफ द सब्जेक्ट सोशल स्टडीज पार्ट सिविक्स काइंडली ओपन पेज नंबर ऑफ योर बुक द नेम ऑफ द चैप्टर इज सोशल एंड पोलिटिकल साइंस सॉरी द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन दिस इज द पार्ट ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल साइंस जिसे हम सिविक्स कहते हैं चैप्टर का नेम है प्रेज्योडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करते हैं आपके बुक का पहला पैराग्राफ है एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब Prejudice का मतलब क्या होता है और डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है ये हम समझेंगे प्रेज्योडाइज का बेसिकली मतलब ये होता है जब हम अपने आप को किसी से सुपीरियर समझते हैं उसे हम प्रेजुडाइज बोलते हैं अब अपने से सुपीरियर यानि कि अपने से बड़ा समझते हैं अब ये हम अपने आप को बड़ा किसी से किसी भी मैनर में समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए पैसे के मैनर में कि मैं अमीर हूँ वो गरीब है या अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा समान है उसके पास नहीं है उससे हम समझ सकते हैं हम जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कोई और लैंग्वेज अलग अलग बोलता है तो उससे समझ सकते हैं अरे देखो वो तो कितनी गंदी भाषा बोल रहा है उससे हम अपने आप को बड़ा समझ सकते हैं और भी कई तरीके हैं जिससे हम अपने आप को प्रेजोडाइज समझ सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है जब हम किसी के साथ भेदभाव करें वो किसी भी मैनर में हो सकता है अगर मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं एक बहुत अमीर घराने से है और एक गरीब घराने से है अमीर घर से जो है आपने उसको कांच के बर्तन में या कांच के ग्लास में सर्व किया और जो गरीब घर से उसको आपने स्टील के ग्लास में दे दिया तो ये हमने क्या किया ये हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया इसमें हमने क्या किया भेदभाव कर दिया हमने इक्वालिटी मेंटेन करके नहीं रखी इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडाइज के जब जब प्रेजुडाइज था मतलब जब प्रेजुडाइज हम फील करते हैं या अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले कास्ट को चार पार्ट में बांटा गया था दैट इज ब्राह्मण क्षत्रियास वैश्यस एंड सॉरी थ्री कास्ट में बांटा गया था ब्राह्मण क्षत्रिया एंड वैश्यस ठीक है अब आप ये समझ लीजिए ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ऊँचे माने जाते थे फिर क्षत्रिय फिर वैश्यस फिर लास्ट जिसको कास्ट में गिनते भी नहीं थे वो थे शुद्धरास जिसको वो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे तो अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये चैप्टर हमसे कहना क्या चाहता है ये चैप्टर बेसिकली हमें ये समझाएगा कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे क्या क्या होता है कास्ट के बेसिस पे कैसे इनक्वालिटी लोगों को फील करनी पड़ती है अपने रंग को लेके कैसे लोगों को इनक्वालिटी फ़ील करनी पड़ती है अमीरी और गरीबी को लेके कैसे इनक्वालिटी फ़ील करनी पड़ती है या भारत में क्या क्या चीज़ें होती थी उस बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है इस टॉपिक में एक वर्ड आता है अनटचेबल्स अनटचेबल्स नाम दिया गया था छोटी जात वाले लोगों को या आप कह सकते हैं जो स्वीपर जिन्हें हम हिंदी में जमादार बोलते हैं कई लोगों की ये थिंकिंग होती थी पहले के टाइम के लोगों की कि अगर आपने जमादार को छू लिया तो आप गंदे हो गए ठीक है तो इसीलिए उनको बोला जाता था अनटचेबल्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टीरियोटाइप स्टीरियो का मतलब ये होता है कि एक फिक्स आइडिया या एक फिक्स थिंकिंग अपने दिमाग में बैठा लेना जैसे कि मतलब अगर कोई किसान है तो हमारे दिमाग में ये है कि आगे चल के इसका बेटा भी किसान होगा अगर कोई डॉक्टर है तो हम बोलेंगे ये डॉक्टर ही बनेगा अगर कोई हमारे घर काम करता है तो हम कहेंगे आपका बेटा भी हमारे यहाँ काम करेगा तो ये दिमाग में हम एक फिक्स आइडिया बना लेते हैं इसको कहते हैं स्टीरियो टाइपिंग स्टीरो so, का मतलब क्या होता है एक फिक्स आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट और समथिंग इज लाइक स्पेशली वेन द आइडिया इज अ रॉन्ग वन ये आइडिया कई तरीकों से हो सकता है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूं कि इन इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या है कैसे इन इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन अमीर गरीब में हो सकता है लड़का लड़की में हो सकता है मैंने कई फैमिलीज़ में देखा है लड़के को अच्छे बड़े स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और लड़की को हिंदी मीडियम में भेज देंगे तो ये फैमिली के अंदर इनक्वालिटी होती है जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं आदमी और, और औरत में डिस्क्रिमिनेशन फॉर एक्ज़ाम्पल आदमी ही बाहर कमाने जाएंगे और औरतें सिर्फ घर का काम करेंगी इसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं अगर फीमेल का मन है काम करने का तो उन्हें काम करने दिया जाना चाहिए ठीक है इसके अलावा ऑफिस में जहां काम होता है पता चले सेम काम है लेकिन आदमी को ज़्यादा सैलरी ज़्यादा पगार दी जा रही है और, और औरत को कम तो इसे भी हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड एंड इनफेंटिसाइड क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है

लड़का है या लड़की है और बहुत से ऐसे लोग होते थे जिनको ये पता चलता था कि लड़की है तो वो एबोर्शन करा देते थे यानी कि बच्चे को मरवा देते थे जो कि इसी वजह से अब इंडिया में प्रेगनेंट लेडीज़ का चेक करवाना जेंडर चेक करवाना कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है ये इलीगल हो गया है अब कोई भी ये चेकअप नहीं करवा पाता इसके अलावा ये चीज भी होती थी अगर लड़की पैदा हो जाए तो लोग छोड़ देते थे मार देते थे इसे कहा जाता है फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड फोर्टिसाइड मतलब पैदा होने से पहले पेट में ही मार देना और इन्फेंटिसाइड यानी कि पैदा हुए बच्चे को छोड़ देना या मार देना कास्ट सिस्टम जैसे मैंने आप लोगों को समझाया इंडिया में चार कास्ट में हिंदुओं को बांटा गया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यज एंड शुद्राज ब्राह्मि यानी कि प्रीस्टली एंड लर्न क्लास पंडित लोग यानी कि वॉरियर्स एंड रूरियर रूलर्स यानी कि फार्मर्स एंड मर्चेंट्स और यानी कि शुद्राज एंड लेबरर्स ठीक है तो ये मैंने आप लोगों को समझाया कि कास्ट सिस्टम वो स्टार्टेड बाय द ब्राह्मण ब्राह्मण लोगों की वजह से कास्ट सिस्टम हमारे भारत में शुरू हुआ था और वो शुद्राज को जो है जो लोअर सोसाइटी है लोअर कास्ट के लोग हैं उनको अनटचेबल्स बुलाते थे अब कास्ट सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पढ़ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जिनकी वजह से आज के समय पे इंडिया में हर एक इंसान को इक्वल माना गया है छोटी जात के लोगों को गवर्नमेंट से ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान भी बनाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कई ऐसे चीजें करी जिससे कि हमारी सोसाइटी से कास्ट सिस्टम जो है वो खत्म हो जाए अब आप ये समझ लीजिए कि गरीब लोगों के लिए महात्मा गांधी ने भी बहुत कुछ किया था महात्मा गांधी दलित लोगों को हरिजन्स बुलाते थे ठीक है कई बार पहले के समय पे यह होता था कि गरीब दलित लोगों को मंदिरों में जाने नहीं मिलता था हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिलता था कि तुम चले जाओगे तो गंदा हो जाएगा ये सब ख़त्म करवाने में सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था अम्बेडकर का था जिनकी पिक्चर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल है जिसके आधार पे कोई भी कंट्री चलती है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंट्री चलती है फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो किस गुनाह की क्या सजा मिलेगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है हर एक भारतीयों को क्या फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं और क्या उन भारतीयों की ड्यूटी बनती है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं सो so ये था चैप्टर नंबर टू प्रेजोडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन का एक्सप्लेनेशन अब हम बुक की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे Page number 158 of your book, exercise number A, take and write the correct answer. Multiple choice questions. The dash were considered impure and untouchables by people of the higher classes, Shudras. Dash means unfair treatment of a person or a group on the basis of prejudice, discrimination. Prejudice, stereotype, and discrimination often lead to inequalities. The unequal distribution of property and wealth in a society causes economic inequality. The father of the Indian constitution was Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Filling the blanks using the suitable words, many discriminatory practices have harmed the growth of our society. Stereotype is a fixed idea people have about someone or something. Female foeticide means killing of female unborn babies. Dr B R Ambedkar is the father of the Indian Constitution. A board was constituted to draft the constitution of India. Preamble is the introduction to the constitution. There are four castes among the Hindus match the following number 1 prejudice match number 1 with option number c is the danger for unity in a society discrimination match number 2 with option number f often lead to inequalities in society the untouchables match number 3 with a were not allowed to eat with the upper caste person dr ambedkar match number 4 with e led many efforts of dalits the leaders match number 5 with b realized that they had won the war against the external enemy number 6 brahmins match number 6 with number d started the caste system so the numbering for match the following is 35164 and 2 नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ मैंने जैसा कि आप लोगों को ज्योग्राफी के चैप्टर में भी बताया था कि अब से सोशल साइंस में आप लोगों को नोट्स रिटर्न नहीं मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के बाद ही आप लोगों को बुक में मार्क कराया जाएगा क्वेश्चन आंसर्स सो बहुत ही ध्यान से अपनी पेंसिल और स्केल निकाल लीजिए और मैं जैसे जैसे मार्क कराऊंगी आप लोग वैसे वैसे आंसर्स को मार्क करेंगे अपनी बुक में सो क्वेश्चन नंबर वन शॉर्ट वट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर में आइए ये।, ये जो आप लोगों को ब्लू कॉलम दिख रहा है इसमें माफ करिए समीपल मेक फंड टू दो आर डिफरेंट दे डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड एंड ओपिनियंस अगेन्ट सच पीपल बिकॉज दे फील सेफ विथ ओनली दोज हु टॉक ड्रेस एंड थिंग लाइक देम so this is answer number 1 short question number 2 what does discrimination means come to page number 154 start with this discrimination means unfair treatment of a person or a group on the basis of prejudice from here to here this is your answer number 2 शॉर्ट काइंडली अंडरलाइन दिस आप लोग सिर्फ पेंसिल यूज करेंगे मैंने पहले भी समझाया था मैं पेन इसलिए यूज करती हूं ताकि वीडियो में क्लियरली दिख सके सो दिस इज आंसर नंबर थ्री शॉर्ट सॉरी आंसर नंबर टू शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वाई आर स्टीरियोटाइप अनफेयर पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव हेडिंग देखिए स्टीरियोटाइप पैराग्राफ नंबर थ्री लाइन नंबर वन स्टीरियोटाइप आर अनफेयर बिकॉज दे अस फ्रॉम ट्रीटिंग पीपल एज यूनिक इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट क्वालिटीज अबिलिटीज लाइक्स एंड डिसलाइक्स दिस इज आंसर नंबर थ्री शॉर्ट स्टीरियोटाइप से लेके डिसलाइक्स तक इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ शॉर्ट Describe female forticide and infanticide. Page number 156. Paragraph number 1. Mark Female forticide and infanticide, the killing of female fetuses and babies, are two evil prevalent not only in our villages but also in educated urban families. This is answer number 4. Right? Yes. आंसर नंबर फोर शॉर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव शॉर्ट हुआर कॉल्ड एज अनटचेबल्स कम टू पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स पेज नंबर वन फिफ्टी सिक्स ये आप लोग पैराग्राफ देखेंगे लाइन नंबर थ्री द लोवेस्ट कास्ट वॉज ऑल्फेन कॉल्ड अनटचेबल्स दिस इज योर आंसर नंबर फाइव शॉर्ट सिर्फ इतना लिखना है हमें द लोवेस्ट क्लास वॉज ऑफ एन कॉल्ड अनटचेबल्स सो ये हमारे शॉर्ट आंसर कंप्लीट होते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं राइट अबाउट द कास्ट सिस्टम इन डिटेल कम टू पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स मार्क करिए आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कास्ट सिस्टम फिर यहां लिखिए आंसर नंबर वन लॉन्ग कास्ट डिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया ये पॉइंट नंबर ए डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन सॉरी ये लाइन आप छोड़ देंगे पॉइंट नंबर ए है कास्ट सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया पॉइंट नंबर बी है द फोर टाइप्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया आर गिवेन एज अंडर पॉइंट बी में ये चारों आप लोग लिखेंगे यहां तक इसके बाद पॉइंट नंबर सी द कास्ट सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय द बस ये तीन पॉइंट आप लोग आंसर नंबर वन लॉन्ग में लिखेंगे कास्ट डिवीजन से इंडिया तक द फोर टाइप से लेबरर्स तक और द कास्ट सिस्टम से ब्राह्मि तक ये आपका आंसर नंबर वन लॉन्ग हो गया क्वेश्चन नंबर टू Describe the Constitution of India in detail. Come to page number 157. Heading up, look, the Constitution of India. Here, write, answer number two, long. Now, mark, point number A, we adopted our Constitution in 1950. Point number B, it is a vital document that contains the basic framework of government and the rights of the people of India. पॉइंट नंबर सी द प्रियम्बल और द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेर इंडिया सॉवरें सोशलिस्ट सेक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गारंटी सोशल इकोनॉमिकल एंड पोलिटिकल जस्टिस टू ऑल पॉइंट नंबर डी आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन एन इंप्रेसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बस यहां तक सिर्फ राइट्स तक ये पॉइंट नंबर ए बी सी डी आप लोग लिखेंगे आंसर टू लॉन्ग में क्वेश्चन थ्री Who was Dr. B.R. Ambedkar? Discuss about his struggle against discrimination. Come to page number 156. Mark right here. Answer number 3. Long. Point number A. The father of the Indian constitution, Dr. Bhim Rao Ramji Ambedkar, born in the Mahar community of Maharashtra dedicated his life to the welfare and upliftment of the dalits point number b in spite of his in spite of the caste based discrimination ambedkar pursued higher studies point number c dr ambedkar encouraged dalits to send their children to school and colleges point number d he also urged them to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system point number e he led many efforts of dalits so as to gain entry into temples so answer number 3 long point number a b c d and e last question question number 4 long write a brief note on stereotype page number 155 mark kariye heading aap log likhenge stereotype write down answer number 4 long stereotype is a fixed idea that people have about what someone or something is like especially when the idea is a wrong one we often stereotype group based on their race region religion gender social status profession etc yahan se stereotype is a fixed idea se leke etc this is your answer number 4 long सो so, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर टू सिविक्स फिनिश होता है एक्सप्लेनेशन बुक एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग। दैट्स ऑल फॉर द टूडेज क्लास थैंक यू वेरी मच